नाबालिग लड़की और लड़के से जिस्म फरोशी का धंधा कराने वाले आरोपी की जानकारी पुलिस को देने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान आरोपी शख्स बेखौफ अंदाज में धमकी देते हुए पुलिस को जानकारी देने वाले व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देने लगा। हरिद्वार के BHEL सेक्टर में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। धंधे में नाबालिग लड़के और लड़कियों को शामिल करके घनश्याम नाम का आरोपी उन्हें सेक्स रैकेट के जाल में फंसा रहा था। इस दौरान मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तार हुए आरोपी के हौसले इतने बुलंद हैं कि आरोपी जानकारी देने वाले शख्स को जान से मारने की धमकी देने लगा और अपने ऊपर दबंगों का सपोर्ट बताने लगा। ऐसे में पुलिस को जानकारी देने वाले व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराते हुए आरोपी शख्स को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे ऐसे आरोपियों को सबक मिल सके और कानून का डर कायम हो सके। मैं अपने घर में था तो जब मोहल्ले में शोर शराबा हुआ, मैंने देखा बाहर जाके तो एक हमारे घर के सामने ही एक घर है, उसके अंदर जो है एक नाबालिग लड़की और एक नाबालिग लड़का कमरे के अंदर सेक्स रैकेट चल रहा था। ठीक है, लड़की अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म में और लड़का अपने घर की ड्रेस में। तो हमने देखा कि उसके बाद फिर हमने जो है पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वाले आए, उसके बाद फिर पत्रकारों को भी फ़ोन किया, पत्रकार लोग भी आए। तो इन्होंने लड़की के जो माँ बाप हैं उन्होंने हाथ पैर जोड़े कि नहीं नहीं हमारी लड़की है, बदनाम हो जाएगी। अब भाई एक लड़की एक बेटी है, हमें भी उसकी इज्जत का ख्याल है, हम भी मान मर्यादा में रहते हैं, हम भी उसे सपोर्ट करेंगे अगर कहीं हमारे से बनती है तो। ठीक है, और उसके लड़के के जो घर वाले हैं उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, मुझे गाली गलौज करी, मुझे कहा कि देख लेंगे तुझे, तुझे जान से मरवा देंगे क्योंकि तूने पुलिस को सूचना दी है, पुलिस को बताया, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है तूने, पत्रकारों को इन्फॉर्मेशन दी है तुझे, तो तुझे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।